क्यों 90% ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री, ये इतना बड़ा है कि इसमें दो दो इंडिया समा सकते हैं, तो ये पूरा प्लेस खाली क्यों पड़ा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज के टाइम तक 90% ऑस्ट्रेलिया पूरी की पूरी तरह खाली पड़ा है, और आप इस मैप में देखिए, आपको जहाँ जहाँ येलो डॉट्स दिख रहे हैं वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन रहती है। मतलब कि पॉपुलेशन 0.22 एरिया में ही है, मतलब कि बस इस 5 शहरों में ही। इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, आप किसी भी डायरेक्शन से उसके सेंटर में जाने की कोशिश करोगे उतने ही आपके जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सब वीडियो में आगे जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सच बात तो ये है कि यहाँ पे 90% पॉपुलेशन यहाँ पे भी सेंटर में नहीं रहने का बहुत ही दर्दनाक कारण है। हम इंडियन से भी छुपा के इन सभी बातों को रखा गया था। देखो, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब उस टाइम जो लोग रहते थे उनका नाम एबोरिजिनिस कहते थे, लेकिन आज आप लोग देखोगे तो आज आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट ही लोग दिखेंगे। तो आखिर ये एबोरिजिनिस के साथ हुआ क्या? वैसे हम लोग जानते ही हैं कि ब्रिटिश ने इंडियंस पे कितना ज्यादा अत्याचार किया था और उनके रूल टाइम में हम में से कितने सारे इंडियंस मारे गए थे, बट हमें ये नहीं बताया गया कभी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस के साथ ही साथ एबोरिजिनिस का भी क्या हाल किया। और ये इंडिया की तरह ही ऑस्ट्रेलिया का एक डार्क फेस था जो सभी से छुपा के रखा गया था। पर इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए हमें उसी साल में जाना होगा जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार डिस्कवर हुआ था। और यहाँ पे जमीन किसी के नाम पे नहीं थी, इसलिए जमीन को लेके कोई झगड़ा भी नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे पैसे की कोई कीमत नहीं थी, उस टाइम में पैसा था ही नहीं, इसलिए जमीन को लेके कोई झगड़ा ही नहीं करता था। यहाँ पे जो एबोरिजिनिस रहते थे वो जंगलों में अपना शिकार करते थे, वहीं से वहाँ की मेडिसिन बनाते थे जो जंगलों में मिलती थी, और बाकी सारी चीजें जो भी चीजें होती थी वो सारी चीजें वो जंगल से ही पाते थे। वही 17th सेंचुरी जहाँ पे बहुत सारे यूरोपियंस ट्रेनिंग के नाम पे बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी एक सिंगल बंदा भी अपनी उस जगह को ओन नहीं कर रहा था, यानी कि अपना हक नहीं जता रहा था। और उनको इस जगह पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने इस जगह को एक नया नाम भी दे दिया, और इसका नाम था टेलालूनियस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई राजा ही मौजूद नहीं है। और आमतौर पर जैसे हम लोग अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन ने इन अंग्रेजों का स्वागत किया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये ब्रिटिश अपने साथ खूनी बलात्कारी क्रिमिनल्स और ट्रेवलर्स को लेके आ रहे थे, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, ऑस्ट्रेलिया को अपनी देश का एक पार्ट बनाना, और वो यहाँ पे एक पीनल कॉलोनी बनाना चाहते थे। पीनल कॉलोनी का मतलब ये होता है कि सरकार अपने बहुत सारे कैदियों को एक जगह पे भेजती है जहाँ पे वो अपने कैदियों से बहुत ज्यादा ही काम करवाते हैं, और सेम चीज इंडिया के साथ भी की थी ब्रिटिशर्स ने, जहाँ पे उन्होंने काला पानी बनाया था। लगभग एक सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स ने 112,000 कॉन्विक्ट्स को लाके यहाँ पे छोड़ दिया, पर वहाँ के मासूम इंसान, उनको कोई भी जानकारी नहीं थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे पीनल कॉलोनी बनाने आए, और उन्हें शक कैसे होता? ब्रिटिशर्स ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उनकी लैंड पे थोड़ी सी तरक्की करेंगे, और यही बोलकर उन्होंने उनकी छोटी सी जमीन रख ली और कहा कि मैं आपके लैंड में बहुत तरक्की करूंगा, बहुत ही डेवलपमेंट होंगे यहाँ पे। एक्चुअली वो लोग वहाँ पे एक बेस बनाना चाहते थे, जैसे कि उन्होंने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक बेस बनाया था। ब्रिटिशर्स के आने से दो चीजें हुई, पहली वो अपने साथ जानलेवा बीमारियां लेके आए जिसके लिए ये ऑस्ट्रेलियन पहले से तैयार नहीं थे, और वो ऐसी ऐसी टाइप की बीमारियां थी जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ही नहीं थी, और इनके आने पे ऑस्ट्रेलियंस उसके लिए तैयार नहीं थे, जिनकी वजह से वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए, और लगभग एक साल के अंदर 50% पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स की वजह से पूरी की पूरी गायब हो गई। और यहाँ पे पोर्ट फिलिप नाम के एक जगह पे भी 50% पॉपुलेशन रातों रात गायब हो गई इसी बीमारी की वजह से। और इन सभी के बीच ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके पास इलाज था, उनके पास वैक्सीन थी, पर उन्होंने इन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको मरने के लिए उनके हाल पे छोड़ दिया। और ये सेम चीज इंडिया के साथ भी हुई थी जब 1980s में कोलेरा, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया जैसी बीमारियां इंडिया में आई थी, और जिसमें 30 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की जाने गई थी, और ब्रिटिशर्स के पास इसका इलाज था, वैक्सीन थी उनके पास, पर उन्होंने इंडिया को 1% भी वैक्सीन का वो डोज नहीं दिया, पर उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसी ही सेम टू सेम चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई थी। शुरुआत में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी जमीन ली थी, बट धीरे धीरे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जमीन को हड़पना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे ये अपने जमीन को बड़ा करते जा रहे थे, वहां के नॉर्मल रहने वाले लोगों पर बिन बात के काम ठोके जा रहे थे, और जिन जिन एरिया में ये लोग थे उन एरिया में ऑस्ट्रेलियंस पर शिकार करने, साफ पानी पीने और तो और खाना खाने तक की रोक लगा दी थी इन्होंने। ऐसा समझ लो कि कुछ ही सालों में अंग्रेजों ने उनके ऊपर राज करना शुरू कर दिया था,
और वो ऑस्ट्रेलियन को उन्हीं की जमीन पर खेती करवाते थे, उन्हीं की जमीन पर मजदूरी करवाते थे और उन्हें बदले में बहुत ही कम पैसे देते थे या फिर देते ही नहीं थे। और हद यहाँ पे तब हो गई जब यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों से भी काम कराने जाने लगा, जहाँ पे उन्हें बहुत ही गहरे समुद्र में मोतिया बिनने के लिए भेजा जाने लगा। और इन्हें ना उन औरतों की परवाह थी ना उनके बच्चों की। और सेम टू सेम इंडियंस की तरह ही ऑस्ट्रेलियंस ने भी जंग शुरू कर दी और ये 100 साल तक जंग चलती रही। अब हर वॉर में किसी ना किसी देश को कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है, पर यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि यहाँ की 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई। मेन बात तो ये थी कि ऑस्ट्रेलियन के पास कोई अच्छे वेपन नहीं थे और वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास अच्छे अच्छे गन वन सारे के सारे वेपन अच्छे अच्छे वेपन थे, जिनकी वजह से वहां पे उन लोगों को एडवांटेज मिल रही थी और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस हार गए। और अब बाकी सारे देश दूसरे देश से लोग आके यहाँ पे रहने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन तो थी बट ऑस्ट्रेलियंस की पॉपुलेशन एकदम कम हो गई थी। और ब्रिटिशर्स को यह भी पसंद नहीं आया कि इतने कम पॉपुलेशन में लोग यहाँ पे रह कैसे रहे हैं, और उन्होंने फिर से एक षड्यंत्र रचा। इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वॉर में अपनी सेना भेजने के बजाय इन लोग को ही अपनी सेना में भर्ती कर लिया और अब इनको लड़ने के लिए भेज दिया। इनकी सेना में आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ही भरे पड़े थे और इस छोटी सी पॉपुलेशन के लिए भी उन्होंने एक एक्ट जारी कर दिया। देखो गाइस, ब्रिटिश तो गए ही थे ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करने के लिए और उसे दूसरा ब्रिटेन बनाने के लिए, और इसी में उन्होंने इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1901 में जारी किया। और इस एक्ट का पूरा मोटिव ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी नॉन व्हाइट है उन्हें हटाकर व्हाइट पॉपुलेशन को पूरी तरह से भर दिया जाए। और यही एक रीजन है कि जहां पे हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलियन व्हाइट है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के आने से तो दो चीजें हुई, पहली तो ये हुई कि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां आई और आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई, और जो बची कुची पॉपुलेशन उन लोगों ने उन लोग के ही आदमियों को सोल्जर बनाकर खत्म करवा दी। और अभी करेंट सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे अभी 3.8% ही नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हैं। अभी तो हमें समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया की सारी पॉपुलेशन कहाँ चली गई, पर फिर भी अभी तक ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है 90%, उसका भी एक रीजन है। और गाइस, इसका एक कारण है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। हर साल इसमें ऐसी मुश्किलें आती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि देख सकते हो गाइस, इसके एक साइड में डिजर्ट है, सेंटर में यहाँ पे खाड़ा पानी का नदियां बहती है और साइड में एक साइड में ग्रीनरी है। मतलब समझ रहे हो गाइस, तीन साइड से घिरा हुआ है बट दो साइड में आप जा ही नहीं सकते। और इन दोनों एक्सट्रीम वेदर में तो लोग रह नहीं सकते, इसीलिए वो लोग ग्रीनरी में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे छोटी मोटी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, बाकी सारे जगह पे पॉपुलेशन ना के बराबर है। तो गाइस, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कम कैसे हो गई और कैसे लोगों ने यहाँ मतलब कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अत्याचार किया और कैसे अभी भी पॉपुलेशन यहाँ पे कम है। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।